वेलकम बैक टू माय चैनल केएस व्लॉग्स एंड फैन। और आज मैं आई हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी जो है नोएडा में, और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, नेचर से प्यार है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एरिया है और साथ ही साथ यहाँ पे रिवर है और चारों तरफ फूल पत्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का टिकट ओनली 30 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है, और नोएडा में ये है, आप आ सकते हो। कोई भीड़ भाड़ वाला प्लेस नहीं है, बहुत शांति है यहाँ पे। और अगर आप एक शांति पसंद इंसान हो तो ज़रूर यहाँ आना चाहिए, बिकॉज बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लेस है। पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी। गाइज यहाँ पे खास तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको नेचर से प्यार है, हरियाली पसंद है, तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ मेट्रो स्टेशन नियर आपको ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन है जो मैजेंटा लाइन में, तो आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं। गाइज ये एक तरीके का पार्क है, अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, और आपके पैर यहाँ बहुत दुख जाएंगे, बिकॉज ये एरिया काफ़ी बड़ा है चलते चलते, क्योंकि मेरे तो पैरों में एक्चुअली दर्द हो चुका है। और आप यहाँ पे ये ई रिक्शा जो होते हैं और जो ज़ू वगैरह मिलते हैं, वो ई रिक्शा वगैरह भी आप हायर कर सकते हो। और अगर मैं कहूँगी पैदल घूमो तो ज़्यादा सही है, बिकॉज़ हम भी पैदल ही चले थे। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचर की खूबसूरती है। ओके गाइस, तो आप यहाँ आ सकते हैं, बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, बर्ड सेंचुरी के नाम पे यहाँ पे एक भी बर्ड आपको मिलेगा नहीं, बहुत ही कम यहाँ बतख वगैरह हैं, और जिस टाइप के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं ऐसे बर्ड कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ वॉशरूम नहीं है, कुछ खाने पीने का भी नहीं है, ये सब आपको बाहर से ही कुछ खाने का सामान जो आप लाना चाहते हो ला सकते हो, और वॉशरूम वगैरह पहले ही काम करके आना जो भी है।
और दूसरी बात, एरिया बहुत बड़ा है, आप चाहो तो ई रिक्शा जो मतलब जू वगैरह में मिलते हैं वो आप हायर कर सकते हो घूमने के लिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वॉक करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ मज़ा नहीं है यू नो, तो थोड़ा चलते चलते आपकी थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और 30 रुपये टिकट है, नॉट अ बिग डील। तो आप सर्दियों में आना, यहाँ विंटर में आओगे तो बहुत ही प्यारी धूप है, तो सर्दियों में आना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि गर्मियों में। गर्मियों में आप इरिटेट हो सकते हो बिकॉज खुली जगह है तो गर्मी यहाँ लग सकती है आपको। तो विंटर्स में आप आओ, फैमिली के साथ आओ, इन्जॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ बाकी चीज़ें थोड़ा घूमने फिरने के लिए ओके है। यही है रास्ता, सकते चल सकते हैं। वो देखो एक इससे भी आवर नहीं मिला था तुम्हें। तुम्हें गिरी जाऊंगी। हम चढ़ेंगे टावर पर, ये टावर है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है, यू कैन सी। वैसे यहाँ पे लिखा है इस टावर पे चढ़ना मना है, बट हम आ गए, हम क्या कर रहे हैं। ओके गाइस, तो हमने टावर देख लिया है, अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, बट हाँ अगर आपको नेचर से प्यार है, हरियाली से प्यार है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए, बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर। बहुत ही शांत जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और यू नो एक दिल को सुकून मिलता है। Thank you.
ओके गाइस, तो कैसा लग रहा है व्लॉग आपको कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे बर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि बर्ड्स फिलहाल तो मुझे दिखे नहीं, बट बर्ड्स हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत दूर हैं तो आप उनके पास तो जा सकते नहीं हो, तो इसलिए आप उन्हें करीब से देख नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, हैं काफ़ी तरह तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पे, और एरिया काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो चलते चलते मेरे तो पैरों में दर्द हो चुका है। तो आप आ सकते हो, होल डे स्पेंड कर सकते हो अपना फैमिली के साथ, पिकनिक वगैरह कर सकते हो, और साथ ही साथ ब्लॉग कैसा लगे बता देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना, और वीडियो को एक लाइक दे देना और शेयर भी कर देना। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं हमें यहाँ घूमते घूमते, और एंजॉय किया हमने काफ़ी, बहुत ही शांत जगह है। अब हम जाएंगे घर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक ही बात बार बार बोल रही आई हूँ, आप लोग इरिटेट हो रहे हो, बट प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर भी कर देना। तब तक के लिए अब चलते हैं घर। निकल गया था।